बायो के टेस्ट में 9 दी, यू आर हैविंग द गुड मार्क्स बट नॉट इन द केमिस्ट्री. ठीक है, थोड़ा फोकस केमिस्ट्री पे कर लो. क्वेश्चंस क्या थे पहले बायो डिस्कस कर लेते हैं, या पहले चलो केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं. व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन? डिफाइन द टर्म आइसोटॉप्स. ठीक है, राइट एग्जांपल एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन और द यूजेस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप? बोलो, हाउ मेनी मार्क्स आई विल गिव फॉर दिस क्वेश्चन? क्यों अंशिया, व्हाट इज द रीजन? इफ यू विल नॉट राइट दिस वर्ड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मार्क्स विल डेफिनेटली, वी विल डिडक्ट द मार्क्स. यू हैव टू राइट डाउन आइसोटॉप. अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन आइसोटॉप, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, एग्जाम्पल 1H1, 1H2, 1H3, 17 chlorine 35, 17 chlorine 37. इफ यू विल राइट इन वन और द टू स्टूडेंट, दे हैड रिटन uranium 235, uranium 238. बट इफ यू आर नॉट राइटिंग द एटॉमिक नंबर, मार्क्स कटेगा. यू हैव टू राइट डाउन द एग्जैक्ट थिंग कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. ठीक है, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन? कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर. ठीक है, यूरेनियम इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, सो वी कैन राइट एनी यूज इफ द वन यूज दे आस्क, अदरवाइज 3 यूजेस यू हैव टू लर्न. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन था उसमें ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और शेल अरेंजमेंट इन केस ऑफ द एल्यूमिनियम. वट ऑल ऑफ यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग दिस वन बट यू आर नॉट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इफ दे आर सेइंग एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यू हैव टू शो, यू हैव टू राइट डाउन 13 इज एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 यू हैव टू राइट डाउन, देन यू विल ड्रॉ. By this, if you are not writing this electronic configuration, marks will definitely deduct. ठीक है, third question था इसमें, 7 is the proton, neutrons we have to calculate and we have to identify the name of the element. यही था 7, उसमें क्या थे electrons. ठीक है, 7 electrons है तो that means protons कितने हैं, because same होते हैं उसमें, protons are also 7. What is the formula? And if you are not writing the formula, again the marks will deduct. Mass number, number of protons plus number of neutrons. Number of protons कितने हैं? 7. Neutrons you have to calculate. 14 mass number आपको given था. 14 minus that is 7 आ गया neutron. And electron 7, proton 7. तो what is the name of element? 7 नंबर पे नाइट्रोजन, नेम ऑफ एलिमेंट इज नाइट्रोजन. ठीक है, मोस्टली ये मिस्टेक आ रही थी, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा हुआ था. ठीक है, एनी डाउट इन दिस किसी को? राइट नाउ टेल मी द बायो क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन था राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. आप उसमें क्या कर रहे हो, चार चीजें आपको कराई है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आप मिक्स कर रहे हो क्वेश्चंस को, ऑल ऑफ यू आर मिक्सिंग ऑल दिस क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन? मान्या balance type.
रैंडम एग्जैक्ट आंसर बताओ, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन? बेटे थ्री पॉइंट्स वी डिस्कस्ड एंड यू हैव टू राइट ओनली दीज थ्री पॉइंट्स, नो नीड टू चेंज दैट वन. आप उसको पता नहीं क्या करते जा रहे हो. ख्वाहिश फर्स्ट हमारा क्या है, टू बिल्ड इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम हाउ वी कैन बिल्ड अप बाय ठीक है, दीज पॉइंट्स कम अंडर दिस पॉइंट, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर इम्यूनिटी. फर्स्ट पॉइंट आपका है, देखो पहले क्या था, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन से पहले व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो उसके क्या रीजन थे. व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या है कि हम पहले मतलब प्रिवेंशन बेटर क्यों है, यानी कि आप हाँ और कल टेस्ट में बट यू आर डूइंग यही पॉइंट्स आप इसमें लिख रहे हो. दीज आर नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, दीज आर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हमें प्रिवेंशन मतलब क्या क्वेश्चन है कि क्योर करने से पहले प्रिवेंशन कर लेना, बचा लेना बेटर है. कैसे, क्यों, क्यों, क्या उसके बेनिफिट है, व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर. बेड रिडन ना हो, ठीक है, टाइम एंड मनी वेस्टेज ना हो और नो साइड इफेक्ट्स. दीज आर द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, दैट इज इम्यून सिस्टम, बिल्ड अ इम्यून सिस्टम. How we can build our immune system? By taking balanced diet, ठीक है, by hygienic condition or regular exercise. Then second point, prevent exposure to microbes. Under that point, what we will write down? Clean environment, respiratory, less visit to the crowded area or दैट कम्स अंडर दैट पॉइंट. आप क्या कर रहे हो, यही पॉइंट्स के साथ तीन पॉइंट कवर कर रहे हो. इफ द क्वेश्चन विल कम, देखो ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, तो सीधे तीन पॉइंट लिखने हैं, कुछ और नहीं करना आपने. आप उसमें मिक्स कर रहे हो क्वेश्चंस को, आप उसमें लिख रहे हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके पॉइंट्स लिख रहे हो, या जो आपके सब हेडिंग्स हैं इसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं आप उसको पॉइंट्स बना के लिख रहे हो. ये कल बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही थी. थर्ड, प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू बॉडी या टू सेल्फ, लाइक हमें अपने आप को ध्यान देना. दीज आर द थ्री पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है. सब पार्ट्स को हेडिंग नहीं देनी हमने, आप उसको पॉइंट्स लिख रहे हो. दीज आर नॉट दैट एग्जैक्ट पॉइंट, दीज आर पॉइंट्स बट दैट कम्स अंडर द हेडिंग. देन व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, हाँ जी, पॉइंट्स मत चेंज करो, वही कह रही हूं आपको. आपको ऑल ऑफ यू नो, आई नो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट जो दीज थ्री पॉइंट्स है ना, राइट डाउन एग्जैक्ट. बोलो, फर्स्ट पॉइंट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, हाँ अंशा, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब. पहले माइक्रोब की ग्रोथ ना होने दो. सेकेंड, किलिंग दैट वन इफ दे एंटर इन योर बॉडी. थर्ड, रीअकरेंस को बचाना, दोबारा वो ना हो. आप पॉइंट्स मिक्स कर रहे हो, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू आर मिक्सिंग ऑल दीज पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, हमने इलाज कैसे करना है. पहला है प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, उसकी ग्रोथ को ही रोकना. सेकेंड, इफ दे एंटर देन किल दैट वन.
थर्ड रीअकरेंस से अपने आप को प्रिवेंट करना, दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में आपने उस चीज का कैसे करना है वो याद रखो, ग्रोथ ना होने देना, हो गई तो उसको किल करना, आफ्टर दैट दोबारा ना हो इसका ध्यान रखना। प्रिवेंशन, पहला प्रिवेंशन मेजर क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बाय टेकिंग रेगुलर बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और हाइजीनिक कंडीशंस, दैट कम्स अंडर द इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। सेकंड दैट इज इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गया, प्रिवेंशन का सेकंड हमारे पास क्या है, ठीक है सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, एक्सपोजर टू द क्राउडेड एरिया, एंड द थर्ड वन गिव सेल्फ सफिशिएंट टाइम टू योर बॉडी। बच्चे बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन